जॉन नाम का एक बंदा जिसके घर पर अलग अलग लोग आते हैं, लेकिन उसके कुछ दिन बाद उसे पता चलता है कि वो रियल इंसान नहीं बल्कि आत्माएं हैं। उसके बाद जॉन के साथ अजीब अजीब सी घटनाएं भी होने लगती है। अब क्या ये सारी घटनाएं सच थी या फिर सिर्फ उसके दिमाग का खेल, यही देखेंगे हम आज की कहानी में। ये कहानी हॉरर, सस्पेंस, थ्रिल और ट्विस्ट से भरी हुई है, जो आपको जरूर पसंद आएगी, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों, मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं हॉरर बॉक्स हिंदी। अगर आपको भी ऐसे ही सस्पेंस थ्रिलर कहानियां देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है जॉन नाम के बंदे से। हम देखते हैं कि वो अपने ही कार में बैठकर अपने ही मुंह में गन को ठूस रहा होता है खुद की जान लेने के लिए, और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके बाद हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जिसके अंदर हम देखते हैं जॉन सो रहा होता है, जहां पर जॉन को सपना आता है कि एक बाइक वाले बंदे ने किसी आदमी को ठोक दिया। ये नजारा देखते ही जॉन की आंख खुल जाती है और वो तुरंत ही अपनी नींद से जग जाता है। खैर, अब जॉन के बारे में बात करें तो जॉन एक आर्किटेक्ट होता है और इसी के साथ वो एक कंपनी में जॉब भी करता है, और इसी तरह वो अपने बहुत बड़े घर में अकेला ही रहता है। अब रेडी शेडी होने के बाद जॉन टीवी पर ये न्यूज देखता है कि चेन्नई में सीरियल किलर्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। जो भी लोग अकेले रहते हैं वो अनजान लोगों को अपने घर पर मत आने दे, और अगर आपको किसी पर भी शक होता है तो नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर उसकी कंप्लेंट दर्ज करवाइए। तभी अचानक हम देखते हैं कि जॉन के घर के बाहर एक बाइक वाला बंदा आता है। वो बंदा हेलमेट पहनकर अपने बाइक से आवाज करते हुए जॉन की तरफ ही देखता है और थोड़ी देर के बाद वहां से चला जाता है। खैर, अब उसके बाद हम देखते हैं जॉन अपने ऑफिस जाता है और अपना बनाया हुआ प्लान अपनी बॉस मैगी को दिखाता है। जॉन का ये प्लान देखकर मैगी तो उसे 2 मिनट में ही रिजेक्ट कर देती है। खैर, अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसी ऑफिस में जॉन का एक फ्रेंड होता है जिसका नाम है जीवा। जॉन जीवा से कहता है कि मैगी ने जानबूझकर मेरे प्लान को रिजेक्ट कर दिया, तुम देख लेना, मैं कभी न कभी मैगी को प्रूव करके ही दिखाऊंगा कि मैं कौन हूँ। जिस पर जीवा कहता है कि अरे यार, तू ऐसा उल्टा सीधा कुछ मत कर, तुम्हें पता है ना मेरी रिकमेंडेशन के कारण तुम्हें यहाँ पर जॉब मिली है, अगर तुमने कोई उल्टी सीधी हरकत कर दी तो मेरी भी जॉब जा सकती है। खैर, अब उसके बाद जॉन अपने घर पर आकर डिजाइनिंग का काम करता रहता है। तभी अचानक जॉन के घर की लाइट अपने आप ही फ्लिकरिंग करने लगती है। थोड़ी देर के बाद जॉन के घर के बाहर कोई आता है और उसके घर की घंटी बजाता है। जॉन बाहर जाकर देखता है तो उसे अपने घर के बाहर एक बंदा दिखाई देता है, और वो बंदा जॉन से पीने के लिए पानी मांगता है। लेकिन जॉन सोचने लगता है कि इतनी रात को ये बंदा सिर्फ पानी पीने के लिए मेरे घर पर आया है। ऐसा सोचते हुए वो उसके ऊपर चिल्लाता है और वहाँ से जाने के लिए कहता है। लेकिन तभी जॉन को ऐसा लगता है कि शायद उस बंदे को सच में पानी चाहिए होगा, इसलिए जॉन उस बंदे को वहीं पर रुकाकर पानी लाने के लिए अंदर चला जाता है। अब जॉन पानी तो लेकर आता है लेकिन बाहर वो बंदा मौजूद नहीं था। जॉन उस बंदे को अपने घर के बाहर ढूंढता है, लेकिन तभी शॉकिंगली जॉन को अपने बेडरूम के अंदर कुछ आवाजें सुनाई देती है, और वो देखता है कि पानी पूछने के लिए आया हुआ वो बंदा उसके बेडरूम में है। तो फिर जॉन फौरन अपने हाथ में एक स्टंप लेकर अपने बेडरूम में जाता है, लेकिन उसके बेडरूम में कोई भी मौजूद नहीं होता, तो फिर यहाँ पर उसे क्या दिखाई दिया था। खैर, अब उसके दूसरे दिन हम देखते हैं जॉन एक दुकान के बाहर खड़ा होता है, और तभी उसे कुछ दूरी पर वो रात वाला बंदा नजर आता है, मतलब कि जॉन से जिसने पानी पूछा था ना, वही बंदा। अब उसे देखकर जॉन उसका पीछा करने लगता है, लेकिन वो बंदा जॉन को देखकर वहां से भागने लगता है। फाइनली वो बंदा जॉन को चकमा देकर वहां से भाग ही जाता है। लेकिन तभी जॉन देखता है कि उसकी बॉस मैगी किन्हीं 2 बंदों के साथ बात कर रही है। जॉन सोचता है कि ये मैगी बनाने के बजाय यहाँ पर क्या कर रही है। खड़ूस बॉस कही कि खैर, अब रात को जॉन अपने गाड़ी से अपने घर पर जा रहा होता है, लेकिन तभी उसकी गाड़ी के सामने एक बंदा आता है। इस बंदे का नाम है मैरी। मैरी का कुछ गुंडे पीछा कर रहे थे और मैरी जॉन से लिफ्ट मांगता है। जॉन मैरी को लिफ्ट देता है और किसी जगह पर जाकर छोड़ देता है। जाते जाते मैरी जॉन से कहता है कि थैंक यू ब्रो, तुमने मेरी मदद की, तुम्हें अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो ये लो मेरा विजिटिंग कार्ड और इस पर मुझे कॉल करना। खैर, अब घर पर आने के बाद जॉन अपने काम में बिजी हो जाता है, लेकिन तभी अचानक जॉन के बेडरूम से कुछ आवाजें आने लगती है। जॉन धीरे धीरे करते हुए अपने बेडरूम की तरफ जाता है, और उसके बेडरूम में वही बाइक वाला बंदा होता है जो कि हेलमेट पहनकर अपने हाथ में एक रॉड लेकर उसे नीचे मारता रहता है।
अचानक ऐसे उस बंदे को देखकर जॉन के तो पसीने छूट जाते हैं और वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो फौरन अपने घर के बाहर जाता है और अपने फ्रेंड जीवा को कॉल करके सारी बात बताता है। अब उसके थोड़ी देर बाद जीवा एक सीबीआई ऑफिसर को लेकर जॉन के घर पर आता है। इस पुलिस ऑफिसर का नाम होता है सुंदर। जॉन उन दोनों को अपने बेडरूम में लेकर जाता है, लेकिन वहां पर वो बंदा नहीं था। अब उसके कुछ देर बाद सुंदर वहां से जाते हुए जॉन से कहता है कि ये मेरा नंबर ले लो, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना। उसके बाद जीवा और सुंदर दोनों ही अपने घर पर जाते हुए किसी दुकान के पास आते हैं। ऑफिसर सुंदर जीवा से पूछता है कि तुम्हारा फ्रेंड मुझे बहुत ही कंफ्यूजन में लग रहा है, क्या उसे कोई पर्सनल प्रॉब्लम है और क्या वो अकेला ही इतने बड़े घर में रहता है? जीवा कहता है कि हाँ सर, दरअसल जॉन की फैमिली बहुत ही रईस है। एक दिन जॉन के अंकल ने जॉन के पिताजी को बिजनेस में धोखा दिया। जॉन की माँ तो पहले ही मर चुकी थी और जॉन का फादर मेंटली डिस्टर्ब होकर कहीं पर चला गया। जॉन ने अपने फादर को बहुत ज्यादा ढूंढा, लेकिन उसके फादर उसे कहीं पर भी नहीं मिले। सो तब से जॉन इसी घर में रहता है। खैर, अब इस तरफ जॉन सो रहा होता है और जॉन को फिर से वही सपना आता है जिसके अंदर एक बाइक वाले बंदे ने किसी बंदे को ठोक दिया। अब उसके अगले दिन जॉन एक साइकेट्रिस्ट डॉक्टर के पास जाता है और अपने साथ जो कुछ भी घटनाएं हो रही है वो सारे उसे बताता है। वो डॉक्टर जॉन से कहते हैं कि तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, वर्क प्रेशर के कारण तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो रहा है, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, तुम बस अपना स्ट्रेस लेवल कम करो। और वैसे भी मैंने तुमको स्कैनिंग करवाने के लिए कहा था, अगली बार आते वक्त वो रिपोर्ट लेकर आना, तभी मैं कुछ कह सकता हूँ। खैर, अब उसी रात को जॉन के घर पर दो बंदे आते हैं। इन दोनों में से एक बंदा वही है जिसने मैगी के साथ बात की थी। ये दोनों लड़के जॉन से कहने लगते हैं कि क्या तुम ये घर बेचना चाहते हो, हम तुमको इसकी बहुत ही अच्छी रकम देंगे। लेकिन जॉन उनको बहुत ही डांट फटकार कर वहां से भगा देता है। अब उसके अगले दिन जॉन ऑफिस में मैगी के केबिन में जा रहा होता है, तभी मैगी फोन पर किसी से बात कर रही थी कि मैंने तुम लोगों को किस लिए पैसे दिए थे, मुझे किसी भी हालत में वो घर चाहिए। अब मैगी की बातें सुनकर जॉन को शक होता है कि शायद मैगी को ही जॉन का घर चाहिए और इसीलिए उसने रात को दो गुंडे मेरे घर पर भेजे थे। खैर, अब उसी रात जॉन को अपने सपने में एक कबर्ड नजर आता है, वो इसके घर का ही कबर्ड होता है। उसके तुरंत बाद जॉन जाग जाता है और कबर्ड के पास जाता है। उस कबर्ड में एक छोटा सा कैमरा होता है और उस कैमरा में मेमोरी कार्ड बाहर निकाल कर वो लैपटॉप में इंसर्ट करता है, फिर उसके अंदर के वीडियोस को प्ले करता है। उसमें सिर्फ एक ही वीडियो होती है और उस वीडियो में एक हेलमेट वाला बंदा किसी बंदे को मार रहा होता है। अब ये वीडियो देखकर जॉन तो बहुत डर जाता है और फिर वो तुरंत ही जीवा को कॉल करके उसे भी ये वीडियो दिखाता है। अब यहाँ पर उस वीडियो को गौर से देखने के बाद उन दोनों को पता चलता है कि उस बंदे का मर्डर और कहीं नहीं बल्कि इसी घर में हुआ है और जॉन को इसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं होता कि ये कैमरा यहाँ पर कैसे आया। अब उसके थोड़ी देर के बाद दारू पीते हुए जीवा जॉन से कहता है कि अरे यार, तू इस घर को बेच दे और फौरन उस वीडियो को डिलीट कर दे। जॉन कहने लगता है कि उस वीडियो में एक्चुअली कौन है और किसकी हत्या हुई है इसके बारे में मुझे पता करना है। अब इसी बातों ही बातों में मैगी जीवा को कॉल करती है और जीवा जॉन से थोड़ा साइड में जाकर मैगी से बात करने लगता है। उसके बाद जीवा जॉन से झूठ कहता है कि उसके घर से फोन आया था, लेकिन हालांकि जॉन को ये पता था कि जीवा को कॉल मैगी ने ही किया है। फिर वो सोचने लगता है कि मैगी और जीवा के बीच क्या चल रहा है, कहीं ये दोनों ही मुझे फंसाना तो नहीं चाहते। खैर, अब उसके अगले दिन जॉन अपनी गर्लफ्रेंड जिसका नाम होता है पल्लवी उससे मिलता है और उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में उसे बताता है और कहता है कि मुझे जीवा के ऊपर शक है, जीवा और मैगी ये दोनों हमेशा एक साथ रहते हैं, जरूर उन दोनों के बीच में कुछ पक रहा है। लेकिन पल्लवी कहती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि जीवा का इसमें कुछ लेना देना है और वैसे भी तुम इस घर को क्यों बेचना नहीं चाहते। अब इस बात पर जॉन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और पल्लवी से कहता है कि मेरे पापा ने पूरी मेहनत से वो घर बनाया है और वो मेरे पापा की आखिरी निशानी है, इसलिए मैं उस घर को कभी भी नहीं बेचूंगा। खैर, अब रात हो जाने के बाद जॉन मारी को बुलाकर अपने घर पर जो कुछ हो रहा है उसके बारे में बताता है और जब से एक बंदा जॉन के घर पर पानी मांगने के लिए आया था तभी से ये सारी अजीब सी घटनाएं हो रही है, जिस पर मारी जॉन से कहने लगता है कि अरे भाई, जो भी इस घर में पानी मांगने के लिए आता है वो इंसान नहीं बल्कि आत्मा होती है, तुम चिंता मत करो, मैं एक स्वामी को जानता हूँ, उन्हें मैं तुम्हारे घर पर भेज दूंगा। अब उसके अगले दिन हम एक स्वामी जी को जॉन के घर में देखते हैं। घर के अंदर आने के बाद स्वामी जी को पता चल जाता है कि इस घर में कोई ना कोई बुरी आत्मा जरूर है और ये घर हॉन्टेड है। फिर स्वामी जी जॉन को नीचे रुकने के लिए कहकर खुद बेडरूम में जाते हैं और उसके थोड़ी देर बाद खुद स्वामी जी चिल्लाने लगते हैं कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। और तभी अचानक स्वामी जी ऊपर से नीचे गिर जाते हैं और उनकी वहीं पर मौत हो जाती है।
ये देखकर तो जॉन के होश उड़ जाते हैं। फिर उसके कुछ देर बाद जॉन उस स्वामी जी की लाश को एक गार्डन में दफना देता है। घर में आने के बाद उसे कुछ खून के धब्बे दिखाई देते हैं, वो उन्हें भी साफ करता है। लेकिन तभी उसी वक्त जॉन के घर पर ऑफिसर सुंदर आता है और जॉन से उसका हालचाल पूछने लगता है और उससे ये भी पूछने लगता है कि अब तुमको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। जॉन ऑफिसर सुंदर को देखकर घबराते हुए कहता है कि नहीं नहीं फिलहाल मैं ठीक हूँ। उसके बाद ऑफिसर सुंदर जॉन का सारा घर घूम के चेक करने लगता है और फिर सुंदर के जाने के बाद जॉन सोचता है कि इस स्वामी जी की लाश को यहाँ पर नहीं होना चाहिए, इस लाश को मुझे किसी दूसरी जगह पर दफनाना होगा। इसलिए जॉन दोबारा से वो गड्ढा खोदता है लेकिन उस गड्ढे में स्वामी जी की बॉडी नहीं होती। तभी उसी वक्त जॉन को मारी का कॉल आता है और जॉन मारी को कल रात जो कुछ भी हुआ वो सारी बातें बताने लगता है कि स्वामी जी उसके घर पर आए थे और उनकी मौत हो गई और उनकी लाश को मैंने यहीं पर दफनाया था। मारी कहने लगता है कि अरे भाई ये तुम क्या बोल रहे हो, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मेरी बात सुनो, स्वामी जी गाँव में नहीं है, वो 2 हफ्ते बाद आएंगे और यही बताने के लिए मैंने तुमको कॉल किया है। क्या रात को पी हुई शराब अब तक उतरी नहीं तुम्हारी? अब ये सुनने के बाद जॉन तो शॉक में रह जाता है। खैर अब रात को एक अनजान बंदा जॉन के लैंडलाइन के फोन पर कॉल करता है और कहता है कि जॉन तुमने उस कैमरे को बाहर निकाल कर गलत किया। उसके बाद जॉन फिर से उस वीडियो को प्ले करता है और गौर से देखने पर जॉन को ये बात पता चलती है कि उस वीडियो में जिस बंदे की मौत हुई है वो बंदा और कोई नहीं बल्कि स्वामी ही है और ये भी बात बहुत ही शॉकिंग थी। खैर अब उसके अगले दिन जॉन उसके घर पर जो पानी मांगने के लिए लड़का आया था उसका स्केच बनाकर मारी को बुलाता है और मारी को कुछ पैसे देकर इस लड़के के बारे में डिटेल्स पता करने के लिए कहता है। फिर मारी भी अपने काम में लग जाता है और उसके थोड़ी देर बाद मारी जॉन को कॉल करके उस बंदे के बारे में बताने लगता है कि उस बंदे का नाम है सेंथिलनाथन और 4 महीने पहले ही उस बंदे की मौत हो गई थी। उसके बाद जॉन सेंथिल का एड्रेस निकालकर उसके घर पर जाता है। वहां पर वो सेंथिल के पिताजी से पूछने लगता है कि सेंथिल की मौत कैसे हुई। सेंथिल का फादर बताता है कि 4 महीने पहले किसी रोड एक्सीडेंट में सेंथिल की मौत हो गई। अब जॉन सेंथिल के बारे में सोचते हुए ही अपने घर पर आ रहा होता है कि तभी जॉन एक जगह पर अपनी गर्लफ्रेंड पल्लवी को देखता है जो कि किसी दूसरे बंदे के साथ बहुत ही क्लोजली बात कर रही थी। ये देखकर जॉन अपनी गाड़ी को रोकता है और उन दोनों के पास जाकर पल्लवी से पूछने लगता है कि पल्लवी ये बंदा कौन है और तुम इसके साथ क्या कर रही हो। पल्लवी कहती है कि तुम कौन हो और ये पल्लवी कौन है। वहाँ बगल में खड़े उसके बॉयफ्रेंड का नाम होता है विनोद। अब यहाँ पर विनोद और जॉन के बीच बहुत ही बड़ा झगड़ा हो जाता है और फिर विनोद पल्लवी को लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जॉन अपनी गाड़ी को किसी जगह पर लेकर आता है और अपनी गन से खुद को ही मारने वाला होता है। तभी अचानक जॉन अपने गाड़ी के सामने एक बाप और बेटे को देखता है। एक शराबी बाप अपने छोटे बच्चों को साइकिल में ले जाते हुए उसको बहुत ज्यादा मारते और पीटते रहता है और उन दोनों को देखकर जॉन को अपना बचपन याद आता है। और यहाँ पर हम फ्लैशबैक की कुछ धुंधली सी इमेज को देखते हैं। उसके थोड़ी देर बाद जॉन अपने घर पर आता है तो उसको अपने घर पर पल्लवी दिखाई देती है। वो पल्लवी से कहने लगता है कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया और वो लड़का कौन था, तुम मेरे साथ ये गेम क्यों खेल रही हो। अब दोस्तों देखते ही देखते पल्लवी अजीब तरीके से बिहेव करने लगती है। पल्लवी की आवाज बदल जाती है और वो जॉन से कहती है कि जॉन तुमने जो देखा वो सही नहीं है, पहले तुम खुद कौन हो अपने आप को पहचानो, याद करो जॉन याद करो। फिर वो अपने बचपन की घटनाओं को याद करने लगता है। दरअसल दोस्तों जॉन की माँ मरने के बाद जॉन अपने फादर के साथ ही रहता था लेकिन जॉन का फादर जॉन को हमेशा से ही मारता पीटता रहता। जॉन के पास पिंकू नाम की एक डॉल थी और जॉन हमेशा उसी डॉल से बात करता रहता। खैर अब हम प्रेजेंट डे पर वापस आते हैं और जॉन पल्लवी से पूछता है कि मेरी पास्ट का और तुम्हारे धोखा देने का क्या लेना देना है। पल्लवी कहती है कि मैं हकीकत नहीं हूँ और ऐसा कहते हुए वो जोर जोर से हंसने लगती है। तभी जॉन का डॉक्टर उसे मैसेज करता है और फिर जॉन पल्लवी के साथ उस डॉक्टर से मिलने के लिए जाता है। इन्हीं बातों ही बातों में हम देखते हैं कि पल्लवी सिर्फ जॉन को ही दिखाई दे रही है, वो डॉक्टर पल्लवी को देख नहीं पा रहा था। अब इसी दरमियान डॉक्टर को पुलिस ऑफिसर सुंदर कॉल करता है और डॉक्टर भी थोड़ा साइड में जाकर ऑफिसर सुंदर से कहता है कि सर आपने जिसकी इन्वेस्टिगेशन की थी ना वो बंदा मेरे पास आया है। सुंदर कहने लगता है कि अच्छा आप उसको वहीं पर रोक के रखिए, मैं अभी के अभी वहां पर आ रहा हूँ। लेकिन जब तक वो डॉक्टर जॉन के पास आता जॉन वहां से जा चुका था। उसके बाद जॉन अपने घर पर आता है लेकिन वहां पर एक अनजान बंदा जॉन पर हमला करता है। उसको मारते हुए ये पूछने लगता है कि बताओ मेरे पापा कहां पर है, मेरे पापा के साथ तुमने क्या किया। और यहां पर जॉन हंसते हुए उस बंदे से कहने लगता है कि
मैंने उसको मार दिया। और इसी हाथापाई के दौरान जॉन उस बंदे को भी मार देता है और उसके बाद डीजे के गानों पर डांस करता है, जोर जोर से हंसने लगता है। तभी वहां पर ऑफिसर सुंदर आकर जॉन के सर पर वार करके उसे बांध देता है और फिर उसे अपने अड्डे पर लेकर जाता है। फिर ऑफिसर सुंदर अपने साथी से कहने लगता है कि चेन्नई में जो भी सीरियल मर्डर हो रहे हैं वो सभी इसी इंसान के कारण हो रहे हैं। पहली बार जब मैं जॉन के घर पर गया था तो वहाँ पर मैंने कुछ खून के धब्बे देखे थे। फिर मैंने उसके ऑफिस जाकर उसके बारे में इंक्वायरी की तो उसके ऑफिस वालों ने मुझे बताया कि उसके पास कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है और रिकमेंडेशन की वजह से वो यहाँ पर जॉब करता है। वही उसके घर के आसपास के लोगों से पूछताछ करने पर मुझे ये बात पता चली कि पहले उस बड़े से घर में गिरिधर नाम का एक बंदा रहता था। पिछले कुछ दिनों से गिरिधर और उसका वॉचमैन कहीं पर नजर नहीं आ रहे। इसी के साथ मैंने उस घर में जॉन मैथ्यू नाम की एक किताब देखी और उसी किताब की कहानी ये जॉन इमेजिन करके जी रहा है। तभी वहाँ पर विनोद नाम का एक पुलिस वाला बंदा आता है। वो सुंदर से कहने लगता है कि सर, उस घर में जिसकी डेड बॉडी है उसका नाम है गिरिधरन और गिरिधरन का बेटा अर्जुन अभी अभी यूएसए लौटा है। तभी इसी बातों ही बातों के दरमियान जब विनोद जॉन को देखता है तो वो उसे देखकर पहचान लेता है, यानी कि दो दिन पहले इसी ने विनोद से झगड़ा किया था जब पल्लवी और विनोद एक साथ थे तब। उसके बाद ऑफिसर सुंदर जॉन को दो थप्पड़ मारता है और पूछता है कि सच सच बताओ आखिर तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारे फादर का नाम क्या है। सो अब यहाँ पर जॉन अपनी कहानी बताने लगता है कि उस घर में जाने से पहले जॉन बहुत सारे लोगों का मर्डर कर चुका था। इसी दरमियान एक दिन जॉन किसी का मर्डर करके एक पार्क में सो रहा था। तभी वहाँ पर एक पुलिस वाला बंदा आता है और वहाँ के सारे लोगों को अपने अपने घर पर जाने के लिए कहता है क्योंकि बहुत ज्यादा रात हो चुकी थी। जब वो जॉन के करीब जाता है तो वो पुलिस वाला जॉन के शर्ट पर खून के धब्बे देखता है, लेकिन जॉन उस पुलिस वाले को धक्का देकर वहाँ से भागने लगता है। उस पार्क के बाहर एक गाड़ी मौजूद होती है, साथ ही साथ एक हेलमेट भी होता है और वो उसे पहनकर उस गाड़ी को भगाने लगता है। तभी रास्ते में जॉन को पल्लवी दिखाई देती है जो कि अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर रही थी। उसी दरमियान पल्लवी का एक एनवलप वहीं पर गिर जाता है। अब यहाँ पर जॉन उस पल्लवी को देखते हुए ड्राइव कर रहा था और तभी सडनली जॉन सेंथिल नाम के एक बंदे को ठोक देता है। अब सर पर बहुत ज्यादा चोट आने की वजह से सेंथिल की वहीं पर मौत हो जाती है, लेकिन यहाँ पर जॉन ने तो हेलमेट पहना था इसीलिए उसे ज्यादा चोट नहीं आती। इसीलिए दोस्तों हेलमेट हमेशा पहना करो। खैर अब जॉन सेंथिल के पास जाता है और सेंथिल पानी पीने के लिए मांगता है। तभी वहाँ पर आसपास के लोग जमा होने लगते हैं और लोगों को देखकर जॉन वहाँ से भाग जाता है। भागते भागते जॉन एक घर के पास आता है और जॉन को ये घर अपने ड्रीम हाउस की तरह नजर आ रहा था, मतलब कि जॉन ने इसी तरह का घर अपने बचपन में ड्रॉ किया था तो ये घर हूबहू उसी के जैसा होता है। जिसके बाद जॉन सोचता है कि अब वो इसी हाउस में रहेगा। तभी वहाँ पर उसको रोकने के लिए सिक्योरिटी गार्ड आगे आता है, लेकिन जॉन उस सिक्योरिटी गार्ड को मारकर घर के अंदर जाता है और इसी घर का ओनर गिरिधरन था। वो एक रॉड लेकर गिरिधरन के माथे पर मारता है और इसी हाथापाई में एक कैमरा नीचे गिरकर रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है और नीचे पड़े हुए कैमरे को देखकर जॉन उस कैमरे को एक कबर्ड में रख देता है। अब जॉन ने तो गिरिधरन को मार दिया था, उसके बाद वो इस घर के डॉक्यूमेंट और फोटोग्राफ ये सारी चीजें जला देता है और उसी घर में जॉन को जॉन मैथ्यू नाम की किताब मिलती है। वो उस कहानी को पढ़ता है और उसी किताब में पल्लवी नाम का एक कैरेक्टर होता है, मतलब कि दोस्तों आप समझ रहे हो वो इन सारे कैरेक्टर को इमेजिन कर रहा था और जिन जिन लोगों को जॉन ने मारा था वो आत्मा बनकर उसके सामने आ रही थी। खैर अब उसके दूसरे दिन जॉन उस जगह पर जाता है जहां पर उसने उस लड़की को देखा था, यानी कि पल्लवी को, और वहां पर जॉन को पल्लवी का एनवलप गिरा हुआ दिखाई देता है और उसके अंदर पल्लवी की तस्वीर होती है। उस किताब की कहानी पढ़ते हुए जॉन पल्लवी को अपनी गर्लफ्रेंड की तरह इमेजिन करता है और उस किताब में जॉन मैथ्यू नाम का जो कैरेक्टर होता है उसी तरह जॉन अपनी शक्ल बनाता है। अब उसके बाद एक दिन जॉन को जीवा नाम का एक बंदा नजर आता है जिसने उसे लिफ्ट दी थी और जॉन जीवा को लिफ्ट देता है। फिर जॉन उससे बहुत अच्छी दोस्ती करता है। अब यहाँ पर जॉन को जॉब चाहिए थी इसीलिए जीवा अपनी बॉस मैगी को रिक्वेस्ट करके उसे अपने रिकमेंडेशन के थ्रू जॉब दिलवा देता है। उसके बाद यहाँ पर हम प्रेजेंट में आते हैं और ऑफिसर सुंदर जॉन से पूछने लगता है कि बताओ तुमने कितने लोगों को मारा है, लेकिन जॉन उसका कोई भी जवाब नहीं देता। अब विनोद ऑफिसर सुंदर को साइड में ले जाकर कहता है कि सर इसके ऊपर केस करना बेकार है, इसको तो हम ही ठोक देते हैं, पता नहीं इसने कितने लोगों को मारा होगा और अगर ये यहाँ से बच गया तो सोसाइटी का ही नुकसान है। तभी अचानक जॉन अपने हाथ की रस्सी खोलकर वहाँ के एक पुलिस ऑफिसर को मार देता है और जब विनोद जॉन को रोकने की कोशिश करता है तो जॉन विनोद को भी मार देता है।
उसके बाद सुंदर और जॉन के बीच बहुत बड़ी हाथापाई होती है, लेकिन जॉन सुंदर को बहुत ज्यादा मारपीट कर वहां से भाग जाता है। अब उसके दूसरे दिन हम देखते हैं डॉक्टर सुंदर से मिलने के लिए आते हैं और ऑफिसर सुंदर डॉक्टर से कहता है कि मैं इस जॉन को नहीं छोड़ूंगा, न जाने कितने लोगों को मारा है इसने। लेकिन डॉक्टर कहता है कि जैसा आप समझ रहे हैं वैसा जॉन सीरियल किलर नहीं है, उसको एक मेंटल बीमारी है। जॉन को खुद नहीं पता कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्या सच है और क्या झूठ, इसका तो उसे कुछ अंदाजा ही नहीं है। उसके बचपन में उसके पिताजी ने उसे बहुत मारा पीटा और तभी से जॉन अकेला महसूस करने लगा। फिर उसने नए नए कैरेक्टर अपने ही दिमाग में इमेजिन कर लिए और अपने ही दुनिया में खोकर जीने लगा। और इसी दौरान जॉन को गिरिधर का घर मिला और उसने उस घर को अपना समझकर वहां के लोगों को मार दिया। अब तक जॉन ने जिन जिन लोगों को मारा है वो कोई ना कोई वजह से ही मारा है। जॉन ने जानबूझकर उन लोगों को नहीं मारा, उस वक्त उसकी दिमागी हालत ही वैसी थी। लेकिन ऑफिसर सुंदर कहने लगता है कि जो भी हो डॉक्टर, उसकी वजह से मेरे दो ऑफिसर मारे गए हैं, पता नहीं वो और किस किस को मारेगा। तभी यहाँ हम दूसरी तरफ जॉन को गोवा में देखते हैं। बीच के पास ही जॉन एक घर को देखता है और ये भी घर उसको बहुत ज्यादा पसंद आता है। यहाँ पर भी वो उस घर के सिक्योरिटी गार्ड को मारकर उस घर के अंदर चला जाता है। और उस घर के अंदर जाने के बाद जॉन वहाँ पर अपनी एक छोटी सी फैमिली को इमेजिन करता है, जहाँ पर पल्लवी उसकी वाइफ होती है और वहाँ पर उनका एक छोटा सा बच्चा भी होता है। जॉन अपने दिमाग में सोचने लगता है कि वो यहाँ पर बहुत ही हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिता रहा है। और दोस्तों इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों देखा आपने जॉन की दिमागी हालत ठीक न होने की वजह से उसके साथ क्या क्या हुआ और उसने कितने सारे लोगों को मार डाला। खैर दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही ऐसे ही साउथ की अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।